अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो अभी अभी मेरी गुड मॉर्निंग जो हो चुकी है, ये देखें पीछे मेरा बिस्तरा लगा हुआ है, मेरे सोफे पे जो सोता हूँ। तो अभी वेलकम टू माय चैनल। तो अभी कुछ सीन कुछ यूँ है कि ऊपर आगे सैरी करते हैं, मैं अभी नीचे वाले पोर्शन में सो रहा था। तो आज सातवां रोज़ है गालबन, हाँ सातवां रोज़ है। तो सातवां रोज़ है और सातवीं सैरी मेरी तरफ से आप सबको मुबारक। तो इसी के साथ ब्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो और ऊपर आपको सैरी में मिलते हैं और देखते हैं अमीना क्या क्या बनाया है। सैनी में पराठा है, भिंडी है और अचार है, साथ लस्सी। सो अब आपको सैरी करने के बाद मिलते हैं, टाइम अभी कम रह गया। अभी अभी मौलवी ने ऐलान किया कि 10 मिनट रह गए, तो आप सैरी करने के बाद मिलते हैं। हाँ सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आज सातवीं सैरी हमने कर ली है, सारी चीज़ें खा ली हैं, सब ख़त्म कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है लग गया। तो सैरी जो है वो डन हो चुकी है, अभी अजान होती है, उसके बाद नमाज़ पढ़ के आपसे सुबह ही मिलते हैं। हाँ सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सर की नमाज जो मैंने अदा कर ली है। हाँ सो मैं आज सोच रहा था मैं आपको सीधा सर की नमाज़ के बाद आपको अफ्तारी टाइम दिखाता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज आपको मतलब कि घर वालों के अफ्तारी में हाथ बटा लिया जाए और आपको व्लॉग में दिखा लिया जाए कि बीच में हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। हाँ कल के व्लॉग में मैंने मिल्क शेक बना के दिखाया था, तो आज कुछ काम करते हैं चलें। सो गाइस सारी चीज़ें मैंने पहले ही इसके अंदर डाली थी जग के अंदर। तो ये देखें दूध वगैरह स्ट्रॉबेरी सारी चीज़ें, चीनी रह गई है, अब चीनी डालते हैं जल्दी से। एक चम्मच, दो, ये तीन। हाँ तो मैंने चीनी जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप भी अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो इसको साइड पे रखते हैं, पहले हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब बारी आती है बर्फ़ ऐड करने की, ये सारी बर्फ़ इसके अंदर डाल दे रहे हैं। तो बर्फ़ जो है हमने डाल ली है, बर्फ़ कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ठंडा अच्छा लगता है आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम फॉर्म करना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ बगैर बर्फ़ के काम चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्क शेक जो है आज तैयार हो गया है। तो पहली चीज़ हमारी तैयार हो गई, अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। अगर कोई चीज़ बनने वाली है तो वो बनाते हैं जर, उसके बाद आपका इफ्तारी। रोल और पकोड़े जो है घर वालों ने निकाल लिए, अब ये थोड़ी सी इन पकोड़ों की बारी है, ये मैं फ्राई करता हूँ। ये मतलब हाँ सो गाइस आज टैंक भी जो है बन गया है, उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखते हैं। तो अफ्तारी टाइम निकालेंगे ताकि ठंडा ठंडा तैयार हो जाए। हाँ सो आज की अफ्तारी में टैंक, मिल्क शेक, ये थोड़े से स्नैक्स हैं, दही बल्ले आज फिर बनाएं, खजूर हैं। तो टाइम हो रहा है 6:30। तो अफ्तारी में 2 मिनट बाकी हैं, तो जल्दी से दुआ मांगते हैं और फिर अफ्तारी करते हैं। तो अफ्तारी का टाइम हो गया है। अल्लाहुम्मा इन्नी लगा सुमतु व बिका आमंतु व अलैका तवक्कतु व अला रिज़्क़ अफ्तरतु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तारी कर लें, अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ के आपको मिलता है, ठीक है। हाँ सो गाइस अब टाइम आता है व्लॉग को एंड करने का। आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।